तो फेस पैक लगाऊंगी मैं ये वाला। फिर भागना पड़ता है ना सुबह, गोरे गोरे हो गए। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रही है शाम, तो शाम की मैं पूजा करूंगी, उसके बाद मैं जिम जाऊंगी और आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि मैं जिम में क्या क्या करती हूँ। अरे बेटा इवनिंग हो चुकी है ब्रो, ये देखो टाइम देखो, ठीक है। तो शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मैं ना रात शाम की पूजा करूंगी, तो इसके लिए अभी मैं पहले थोड़ा सफाई कर लेती हूँ क्योंकि चौकी लगाई हुई है रूम में। और वैसे तो मेरा मंदिर बाहर है लेकिन चौकी हमने अलग से, क्योंकि चौकी अलग से लगाई जाती है, तो चौकी मैंने। और अभी त्रिशु ट्यूशन जाएगा और आज ट्यूशन नहीं गए ना तो सोच लेना त्रिशु, बिहेव योर सेल्फ। गौरव इसको बोल दो, ठीक है। वहाँ पे गौरव लगा रहा था, ठीक है, फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया इस पैक को लगाने के बाद, ये देखो। ओए होए गोरे गोरे हो गए, ओए होए चिट्टे चिट्टे। और लगाना फिर और हो जाएंगे रोज। अच्छा जी, ओहो। थोड़ा सा फेस पैक ना बच गया था तो मैंने सोचा कि मैं ही लगा लेती हूँ फेस पे और टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन रह गया जो पिंपल का स्कार्स है ये सब। और बाय द वे मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है जो है, एक्सेप्ट जैसे आप हो। यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है, नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है, पूरा क्लीन कर लिया है और पूजा मैंने रूम क्लीन कर लिया है और मेरी पूजा भी हो गई है। अब मैं जिम जाऊंगी और जिम के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और ना फेस पर जो मैंने पैक लगाया था ना उसको मैंने रिमूव कर लिया है। मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे थे अभी, बहुत ज़्यादा। और मैंने उसके लिए ना फार्मेसी से ना ऑइंटमेंट भी लिया था, कोजिक का कोई क्रीम थी, कोजी ग्लो के नाम से, तो मैंने वो भी अप्लाई की थी, ऐसे ही डम भी अप्लाई की थी। बट अब ना मेरा मन हट चुका है सब चीज़ों से, तो मैंने होम रेमेडी यूज़ कर रही हूँ और वर्कआउट तो मैं कर ही रही हूँ, साथ साथ में मैं अपना ड्रिंक ले रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बीटरूट आंवला और उसमें करी पत्ता मतलब मैं कभी कभी डाल देती हूँ, मिल जाता है फ्रेश तो डाल देती हूँ, अदरवाइज स्किप भी कर देती हूँ। बट मेरा आंवला और बीटरूट तो मतलब कंपलसरी है, तो मैं वो ड्रिंक ले रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ और एक पैक लगा रही हूँ मैं, जो जिस इसका अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपको बता दूंगी कि ये पैक कैसे मैंने बनाया है। और बहुत अच्छा पैक है ये, ट्राई करके देखना। प्रशांत को मैं अभी ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ, मतलब मैं घर में उसको पढ़ा देती हूँ, बट ये है कि मेरे को वर्कआउट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मॉर्निंग में नहीं जा पाती यार, काम होता है, तो इवनिंग में मैं फ्री रहती हूँ ज़्यादा, तो मैं सोचती हूँ कि वो इवनिंग में ट्यूशन चला जाए और मैं वर्कआउट कर लूँ। कभी कभी मैं उसको लेके चली जाती हूँ जिम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या अकेले मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहले रेडी हो जाती हूँ, जो मेरे साथ जिम पार्टनर मेरी जाती है वो दीदी आने वाली है, तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। किसने बोला ट्यूशन की छुट्टी है? अभी मैं मैम को मैसेज करके पूछती हूँ छुट्टी है या नहीं है। पहले ढोक दे, सो ये है वो मैजिकल ड्रिंक जो मैं डेली कंज्यूम कर रही हूँ। बट इसके साथ आपको वर्कआउट भी फॉलो करना पड़ेगा और डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट के लिए। घर पे बैठ के मैं ब्लॉग शुरू कर लेते आज। तो मैं जिम पहुँच गई हूँ, अब मैं ये पहले चेंज कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। मेरी पार्टनर जो छुट्टी करती है। तो सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप में हम पहले ये अपने हैंड रोटेशन करेंगे अच्छे से, इसको 20-20 टाइम्स करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हम इसको रोटेट करेंगे। जिम आने का मोटिव मेरा सिर्फ ये है कि मैं खुद को फिट रखना चाहती हूँ और कोई भी ऐसी डिसीज़ से दूर रहना चाहती हूँ जिससे मुझे आगे जाके प्रॉब्लम हो। अभी रिसेंट में मेरे को बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत पेन होता था बिकॉज ऑफ विटामिन डी, मेरा विटामिन डी और कैल्शियम बहुत कम आया था। सो मैंने जिम फिर से स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं जिम स्टार्ट करती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, वरना मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। और मैं पहले भी जाती थी, शादी से पहले भी। ऐसे आओ, आप
आपकी आवाज़ सुन के बहुत करना होगी। तो आज है हमारा चेस्ट डे, तो आज हम चेस्ट का वर्कआउट करेंगे सारा और लास्ट में हम करेंगे कार्डियो। तो हमारा वार्म अप और स्ट्रेचिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेंच प्रेस, अभी मैं विदाउट वेट कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं सेकंड रेपिटेशन कर रही हूँ विद वेट। ज़्यादा वेट नहीं लगाती मैं, जितना मेरे से उठता है मैं उतना ही लगाती हूँ। मेरे को कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है। और तो यहाँ पर मैंने 12 के रेपिटेशन लगाए थे 3 सेट के। देन यहाँ पर मैं अब करूँगी नेक्स्ट डंबल प्रेस। सो यहाँ पर मैं 7.5 के जी से मैं अपना फर्स्ट रेपिटेशन लगा रही हूँ। 12 जिसमें मेरे 12 रेपिटेशन होंगे, इसके भी 3 सेट मैं लगाऊँगी। सो मेरा फर्स्ट 7.5 के साथ है। और अभी मैं सेकंड वाला लगाऊंगी 10 केजी के साथ। सेकंड में लगा चुकी हूँ, वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। सो ये मेरा लास्ट है जिसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वेट उठाने में। तो मैंने यहाँ पर जो हमारे सर है, जो कोच सर है, उनकी मैंने हेल्प ले ली थी यहाँ पर। उन्होंने मेरे को सपोर्ट दे दिया था। देन हमने किया था बटरफ्लाई एंड चेस्ट प्रेस, इसके भी हमने 3 सेट किए थे। और 12 के हमने इसके रेपिटेशंस निकाले थे। कभी कभी हम इसके 4 सेट भी करते हैं। देन हमने किया था केबल फ्लाई, इसको मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, मैंने कभी किया नहीं था। सो यहाँ पर कोच सर मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि बॉडी पोस्चर वगैरह कैसे रखना है, करेक्ट पोजिशन है या नहीं है। कुछ नया करना था चेस्ट वर्कआउट में, बाकी तो मैं नॉर्मल रेगुलर करती हूँ वीक में। इसके भी हमने 3 से 4 सेट किए थे। देन अब आई है कार्डियो की बारी। सो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं कर रही हूँ केटलबेल स्विंग, तो इसके हमने किए थे 4 सेट और इसमें हमने 20 रेपिटेशंस निकाले थे, मतलब कि 20 टाइम्स हमने किया था। देन अब हम कर रहे हैं बॉल से ट्विस्टिंग, जो मेडिसिन बॉल होती है वेट वाली, उससे हम ये ट्विस्टिंग कर रहे हैं फॉर साइड फैट। और ट्रेडमिल वगैरह करते हैं साथ में, क्रॉस ट्रेनर करते हैं, बट आज किया नहीं था, टाइम कम था। और लास्ट में मैंने ये किया था प्लैंक फॉर 1 मिनट, 1 मिनट का प्लैंक किया था। कभी कभी हम इसके 3 सेट कर लेते हैं, कभी हम 2 सेट करते हैं। सो वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है, अब मैं घर जाऊँगी। फिर भागना पड़ता है ना सुबह सुबह, इससे अच्छा भी लेके चलो। तो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अभी हम घर जा रहे हैं। बाय बाय गाइस, जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस घर पहुंच चुकी हूँ और अभी अपने लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। पहले थोड़ा सा लेटती हूँ, 2 मिनट बाद जाऊंगी कुछ बनाने के लिए। त्रिशु भी ट्यूशन से आ चुका है, ऊपर है वो। मॉर्निंग में मैंने पिया था सत्तू वाला जो शेक होता है ना, उसमें मतलब स्पाइसी वाला जो होता है वो पिया था। अभी शायद मैंने दिन में भिंडी बनाई थी और चीला खाने का भी मन नहीं है, बाकी देखती हूँ अगर भूख लगी तो शायद मैं चीला भी बना लूँ। और त्रिशु ट्यूशन से आ चुका है, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देती रहूंगी। और अभी भी बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, देन मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ, त्रिशांत के लिए बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। कहाँ पे थे आप? चलो ठीक है, क्या खाओगे बताओ? क्या खाओगे बताओ? हाँ, रोटी खानी है, राइस खाना है, चीज राइस, ठीक है। लाइट के लिए अंकल रोटी लाई हूँ और आज ना मैं भी रोटी खा रही हूँ। मैंने दिन में भिंडी बनाई थी, वो वेस्ट होगी, तो इसलिए अच्छा है कि मैं बैठूं। मैंने रोटी बनाई थी, अरे बैठ जाओ बाबा, मैं मना कर रही हूँ क्या? तो मैंने सोचा था कि वेस्ट होगा इसलिए अच्छा। वैसे ना मैं रात को रोटी नहीं खाती, मैं चीला या फिर मतलब ये सब खा लेती हूँ जो मेरा प्रोटीन डाइट होता है, बट आज रोटी खा लेते हैं। ठीक है बेटा, कैसा है? यम्मी, घी खाऊंगा। चीकू को घी बहुत पसंद है और ये मम्मा देखो मैं क्या करूंगा, मम्मा देखो मैं क्या करूंगा।
अबे ये ब्रश कर रहा है घी से बदतमीज लड़के। बदतमीज गंदू बच्चा। पीछे देखो इसके टॉय, ये देखो कितने सारे टॉय है। हटना थोड़ा सा, ये देखो। फिर भी इसको गाड़ी चाहिए, डेली गाड़ी चाहिए इसको। तो दिलाओ ना, चलो मार्केट। अच्छा जी, अभी डिफेंडर हमर नहीं ली थी? दिखा क्या रहे हो लेकिन? 0:30, 3:31, 3:32, 3:33, 4:34, 3:54। अच्छा ये बताओ आज स्कूल में क्या बनाया था, सुनो। 4:46, 4:46। अच्छा रावण कौन था? सीता मैया को उतार के लेके। इधर देख के बोलो, दिखाओ पहले आपने क्या एक्टिविटी की थी। मैया को उतार के लेके मैं मारूंगा। और फिर किसने बचाया? राम, हनुमान। गोदी तो लाओ, उड़ाओ तो। यार गोदी लेने का अभी मन नहीं है। गोदी नहीं, ऐसे उड़ाओ। उड़ाओ? पापा उड़ा देंगे, अभी मेरा मन नहीं है। अभी मैं की सारी गद्दियों को ऐसे निकाल देता है और इनका पता नहीं टेंट हाउस बनाता है और इन पे गाड़ियां चलाता है। बस कब तक बेडशीट क्लीन करूं यार मैं? चार दिन। तो रात में सोने से पहले ना मैं ये काम जरूर करती हूँ। तो ये है मेरा बेसिल सीड्स एंड चिया सीड्स। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा लेती हूँ और पानी में ना इस तरह से मिक्स कर देती हूँ। रात भर ये सोक हो जाता है। सोक होने के बाद ना ये मॉर्निंग में कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैंने आपको मॉर्निंग का पिक्चर दिखा रही हूँ, तो ये मॉर्निंग में मैंने पिया था। इसको मैं खाली पेट पी लेती हूँ इस तरह से। तो गाइस गुड नाइट सभी को। और यहाँ पर मैंने ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें अंजीर और किशमिश भिगाया हुआ है। ये गौरव का है, ठीक है, जो वो मॉर्निंग में पियेंगे। उनका मैं ना शेक बनाती हूँ ओट्स और मतलब बनाना डाल के, और उसमें मैं डालती हूँ, ठीक है। ये मेरे किशमिश है और थोड़ा सा पानी इसमें से मैं चीकू को भी पिला देती हूँ। वो किशमिश खाता नहीं है ऐसे, तो उसको वैसे ही दे देती हूँ मैं, ठीक है। पकड़ो जल्दी बेटा। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइज।